जय हिंद प्यारे साथियों। दोस्तों बेशक आज आपका समय बहुत खराब चल रहा होगा, आपके विपरीत चल रहा होगा, लेकिन एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब आप अपनी खुद की मेहनत के दम पर समय को अपने अनुसार बदलोगे और आपको आपकी हर एक खुशी और आपका हर एक सपना पूरा होगा। तो अब हम इस मोटिवेशन के साथ अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है रेलवे सब इंस्पेक्टर RPF, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सब इंस्पेक्टर। रेलवे में जो सब इंस्पेक्टर होता है उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यदि आप रेलवे में SI बनते हो तो उसके आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, इसके बारे में मैं आपको बिल्कुल फुल डिटेल से बताने वाला हूँ। यहाँ पर जॉब प्रोफाइल क्या होता है, प्रमोशन किस तरीके से होता है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, आपको कितनी छुट्टियाँ मिलती हैं, पहले महीने की कितनी सैलरी मिलती है, साथ ही साथ आपकी फैमिली के लिए आपको यहाँ पर कितनी सुविधाएं प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो ओवरऑल मैं सारा सब कुछ बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से यहाँ पर बताने वाला हूँ और मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद रेलवे सब इंस्पेक्टर के संबंध में आपके दिमाग में एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। आपके हर एक क्वेश्चन का आपको इस वीडियो में बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से जवाब मिलने वाला है। मैं डॉक्टर अजय शर्मा, राइटर एंड एजुकेटर, आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो रेलवे के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो जैसे SSC की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी दूसरे स्टेट की पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या किसी दूसरे स्टेट के सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं और वो आपको कहते हैं कि यार रेलवे की नौकरी बहुत ख़राब है, तुम तो स्टेट वाले सब इंस्पेक्टर की तैयारी करो, वो गजब की है। तो भाई एक बार इस वीडियो को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना, वो आपकी ये जो रेलवे के सब इंस्पेक्टर की जो जॉब है ना इसके फैन हो जाएंगे। वो इस वीडियो को देखने के बाद गारंटी के साथ कह रहा हूँ वो स्टेट सब इंस्पेक्टर का सपना छोड़कर वो रेलवे सब इंस्पेक्टर बनने का सपना देखना शुरू कर देंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरीके से इस चैनल पर आपको बहुत सारे अलग अलग पोस्टों के वीडियो प्रोवाइड करवाता रहूँगा। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले हमने एक रेलवे के संबंध में वीडियो अपलोड किया था और उसके कमेंट्स में आपके कुछ क्वेश्चन थे, उनका मैं सबसे पहले जवाब देता हूँ। सर लेडी SI के लिए क्या कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी है हॉलीडे के लिए? देखो हॉलीडे के मामले में लेडीज़ को जेंट्स की तुलना में कोई अदर फैसिलिटी या कोई अदर से स्पेशल छुट्टियाँ नहीं दी जाती, सिवाय केवल एक छुट्टी को छोड़कर। जो महिलाएं हैं उनको मातृत्व अवकाश मिलता है जो लगभग 6 महीने का होता है, जो कि पुरुषों को नहीं मिलता है। इसके अलावा वैसे छुट्टियों को लेकर कोई अंतर नहीं होता। आप ये सोच रहे हो कि हम लेडीज़ हैं हम फास्ट करेंगे व्रत करेंगे तो उस दिन हमें कोई छुट्टी मिल जाएगी, आपको कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। महिला और पुरुष की जो छुट्टियां उसमें केवल अंतर इतना है कि महिलाओं को मातृत्व अवकाश की छुट्टी मिलेगी, इसके अलावा कोई भी अंतर नहीं है। दूसरा देखो यहाँ पर CL 14 और EPL है वो टोटल 30 होती है, जिनके बारे में हम आगे डिस्कस कर लेंगे। क्या होम टाउन पोस्टिंग होती है इसमें? तो ध्यान रखना इसमें आपको कभी भी होम टाउन पोस्टिंग नहीं मिलेगी। हाँ यदि आपकी किस्मत बहुत अच्छी है और आपके बहुत अच्छे खासे जैक चेक हैं तो बेशक आपको यहाँ पर होम टाउन पोस्टिंग मिल सकती है, बाकी होम टाउन पोस्टिंग मिलने के यहाँ पर बिल्कुल ना के बराबर चांसेस रहते हैं। और बाकी यहाँ पर लगभग हर 4 से 5 साल बाद में आपका ट्रांसफ़र होता रहता है, तो यदि आपको होम टाउन पोस्टिंग भी मिलेगी बड़े जैक चेक के बाद में तो वो केवल 4-5 साल के लिए मिलेगी। तो चलो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं जो रेलवे में सब इंस्पेक्टर होता है उसका इंट्रोडक्शन देता हूँ। सिंपल सा इंट्रोडक्शन है कि एक 4200 ग्रेड पे की बहुत अच्छी खासी जॉब है, वर्दी वाली जॉब है।
अब हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं कि सब इंस्पेक्टर बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या चाहिए। देखो, आपने ग्रेजुएशन कर रखी है किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, चाहे आपने बीए कर रखा है, चाहे बीएससी कर रखा है, चाहे बीकॉम कर रखा है, चाहे एमबीबीएस कर रखा है, चाहे बीबीए कर रखा है, चाहे बीसीए कर रखा है, चाहे बीटेक कर रखा है, तो आप यहाँ पर बिल्कुल 100% एलिजिबल हैं। आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और रेलवे में सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। एज लिमिट के बारे में बात की जाए, आपकी जो एज है कम से कम 20 साल होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 28 साल होनी चाहिए। यदि आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी, एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेटों को यहाँ पर 5 साल की छूट मिलेगी। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में डिस्कस करें, सबसे पहले यहाँ पर आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका फिजिकल मेजरमेंट स्टैंडर्ड होगा, फिर मेडिकल स्टैंडर्ड होगा, उसके बाद आपकी मेरिट आएगी और फिर आपका यहाँ पर फाइनली तरीके से सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये इस तरीके से इसका क्या था, सिलेक्शन का प्रोसीजर था। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर रिटन एग्जाम में क्या क्या आता है, तो उसका हम एक दूसरा सेपरेट आपको वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। हमने इस वीडियो में इसलिए शामिल नहीं किया क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा चौड़ा हो जाता। तो यदि आप चाहते हो कि इसके सिलेक्शन प्रोसेस को मैं अच्छे तरीके से समझाऊँ कि रिटन एग्जाम में क्या क्या आता है, फिजिकल मेजरमेंट किस तरीके से होता है, मेडिकल मेजरमेंट किस तरीके से होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट किस तरीके से होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ओवरऑल मेरिट लिस्ट के बाद में आपका यहाँ पर फाइनली सिलेक्शन हो जाता है। जब आपका यहाँ पर बिल्कुल फाइनल तरीके से सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको ट्रेनिंग सेंटर अलॉट किया जाएगा। अब ध्यान रखना, यहाँ पर जो ट्रेनिंग सेंटर वो जोन वाइज तरीके से अलग अलग अलॉट किए जाते हैं। आप जिस जोन से फॉर्म अप्लाई करोगे उस जोन के अनुसार आपको एक ट्रेनिंग सेंटर मिलेगा। अब आपकी ट्रेनिंग शुरुआत हो गई, जब आपकी ट्रेनिंग सेंटर पर जाओगे तो ट्रेनिंग सेंटर पर आपको एक तो रेगुलर ट्रेनिंग होगी, ठीक है, रेगुलर ट्रेनिंग होगी आपकी और आपको रेगुलर प्रैक्टिस करवाई जाएगी, ठीक है, रेगुलर ट्रेनिंग होगी, रेगुलर प्रैक्टिस करवाई जाएगी। किसी तरीके की कोई ड्यूटी का सिस्टम नहीं है, ड्यूटी का सिस्टम का इन द सेंस ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग के दौरान आपको रेलवे स्टेशन पर ड्यूटी के लिए भेज दिया जाएगा, ऑफिशियली तरीके से ऐसा नहीं होगा भाई। ऑफिशियली तरीके से ड्यूटी के लिए आपको जो ट्रेनिंग कंप्लीट होगी उसी के बाद में ही भेजा जाएगा, ट्रेनिंग के दौरान आपको ऑफिशियली तरीके से ड्यूटी के लिए कभी नहीं भेजा जाएगा। तो रेगुलर पर डे आपकी ट्रेनिंग होगी, पर डे आपकी प्रैक्टिस होगी, किसी तरीके का कोई हॉलीडे नहीं होगा, ऐसा नहीं कि चलो आज ये छुट्टी है आज ये छुट्टी है, नहीं भाई, जो टाइम पीरियड है ट्रेनिंग का बिल्कुल प्रॉपर वे में उसमें आपकी ट्रेनिंग ही होगी। ट्रेनिंग का जो पीरियड है 9 महीने की आपकी ट्रेनिंग होगी, ठीक है, तो 9 के 9 महीने आपकी यहाँ पर क्या होने वाली, ट्रेनिंग होने वाली, 9 के 9 महीने आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, किसी तरीके का कोई हॉलीडे नहीं होगा। ट्रेनिंग के दौरान रहना और खाना बिल्कुल यहाँ पर सेंटर पर ही आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। ट्रेनिंग के दौरान आप अपनी फैमिली के साथ नहीं रह सकते क्योंकि वहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर में आपके रहने और खाने की व्यवस्था की जाएगी, आपको वहीं पर रहना पड़ेगा, जो आपके ट्रेनिंग के जो सहपाठी है उनके साथ रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारा सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। ट्रेनिंग के दौरान आपको जो सैलरी मिलेगी, आपका जो बेसिक पे है वो 35,400 रुपये रहने वाला है, साथ ही साथ आपको डीए मिलेगा जो कि फिलहाल में 50% के अनुसार है, तो 50% के अनुसार डीए बन जाता है 17,700 रुपये। कितना बन जाता है, 17,700 रुपये आपका डीए बन जाता है। इसमें आपका एनपीएस कटेगा 5,310 रुपये। तो ट्रेनिंग के दौरान आपकी पहले महीने की सैलरी रहेगी 47,790 रुपये जो कि आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी, ठीक है। ट्रेनिंग के दौरान 47,790 रुपये आपकी सैलरी आपके अकाउंट में हर महीने ट्रांसफ़र कर दी जाएगी और ये सैलरी आपको अगले 9 महीने तक मिलेगी। कितने महीने तक मिलेगी, 9 महीने तक। जब आपकी 9 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो फिर आप ऑफिशियली तरीके से क्या कर लोगे, ज्वाइनिंग कर लोगे, किसको, सब इंस्पेक्टर को। तो ट्रेनिंग के बाद में आपकी पोस्टिंग होगी। अब देखो, जो आपकी पोस्टिंग होगी ना वो जोन वाइज तरीके से होगी, जोन वाइज तरीके से, जैसे आपने जिस जोन से फॉर्म अप्लाई किया है ना, आपकी पोस्टिंग उसी जोन में किसी भी रेलवे स्टेशन पर हो सकती है। ध्यान रखना, रेलवे की जितने भी जॉब हैं उनका एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट यही है कि आप जिस जोन से फॉर्म अप्लाई करोगे लाइफ टाइम आपको उसी जोन में ड्यूटी करनी होगी, ठीक है। हाँ, उस जोन में आपका ट्रांसफर हो सकता है, जैसे सपोज डेट आपने अजमेर जोन से फॉर्म अप्लाई किया है तो लाइफ टाइम आपकी पोस्टिंग अजमेर जोन में ही रहेगी, किसी दूसरे जोन में नहीं जाएगी। अजमेर जोन में जितने रेलवे स्टेशन है वहां पर आपका ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। तो आपकी पोस्टिंग आपके जोन के अंदर ही रहने वाली है, हमेशा एक ही जोन में
आपकी पोस्टिंग रहेगी और लगभग 4 से 5 साल के बाद में आपका ट्रांसफर होता रहेगा। हर 4-5 साल बाद में आपका क्या होता रहेगा, ट्रांसफर होता रहेगा। आप जिस जोन से फॉर्म अप्लाई करोगे आपकी पोस्टिंग उसी जोन में रहने वाली है। अब जॉब प्रोफाइल के बारे में बताऊं कि सब इंस्पेक्टर का जॉब प्रोफाइल क्या होता है। भाई आप सब इंस्पेक्टर बनेंगे, ठीक है, सब इंस्पेक्टर बनेंगे तो आपके नीचे एक पूरे कॉन्स्टेबलों की टीम रहेगी जिसको आपको संभालना होगा और उनको आपको काम देना होगा कि भाई आपको क्या क्या काम करना है। यहाँ पर आपको खुद को काम नहीं करना पड़ेगा बल्कि जो आपके अंडर जितने भी कॉन्स्टेबल हैं वो आपका काम करेंगे, आपको तो केवल और केवल उनको अच्छे तरीके से गाइड करना होगा। तो आप एज ए सब इंस्पेक्टर रहेंगे तो आपके ऊपर पूरे आपका जो रेलवे स्टेशन है जहाँ पर आपकी पोस्टिंग हुई है उसकी जिम्मेदारी आपकी रहेगी, ठीक है, वो पूरा पूरा जो रेलवे स्टेशन वो आपके अंडर रहेगा, उसकी कंप्लीट हर एक तरीके से जिम्मेदारी आपकी रहेगी। तो अब वहां पर आपका क्या क्या काम रहेगा, देखो रेलवे से उस रेलवे स्टेशन पर जहां पर आपकी पोस्टिंग है उस रेलवे स्टेशन से संबंधित जितनी भी सामग्री है, रेलवे की जितनी भी सामग्री है उसकी आपको सुरक्षा करनी होगी, ठीक है। दूसरा यात्रियों की सुरक्षा करनी होगी, जैसे यात्रियों का सामान चोरी हो जाता है तो उन चोरों को पकड़ना होगा, किसी तरीके से लूटफाट का काम हो जाता है तो उसको रोकना होगा, कोई लड़ाई झगड़े से रिलेटेड इवेंट हो जाती है तो उसको आपको रोकना होगा, ठीक है। इसके अलावा ट्रेनों का रिकॉर्ड रखना होगा आपको कि कौन सी ट्रेन कितने बजे आई है और वो ट्रैक से कितने बजे गई है, ये दोनों टाइम आपको नोट करने होंगे। और ध्यान रखना ये काम आपको खुद को नहीं करना होगा, आपके नीचे एक कॉन्स्टेबलों की टीम होगी, आपको क्या करना होगा हर एक कॉन्स्टेबल को उसका काम देना होगा और प्रत्येक कॉन्स्टेबल के काम को चेक करना होगा कि आपने जिस तरीके से उसको काम दे रखा है कि क्या वो बिल्कुल ठीक उसी के अनुसार काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया। ड्यूटी टाइम के बारे में हम बात करें तो आपको रेगुलर 8 घंटे की ड्यूटी करनी होगी, कभी कभार बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो जाएगी तो उसमें आपको 9-10 घंटे या 11-12 घंटे भी ड्यूटी करना पड़ सकता है, वो डिपेंड करता है कि वो कितना ज़्यादा इमरजेंसी है। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि जैसे आप 8 घंटे के बाद यदि 1 घंटे की भी ड्यूटी करते हो तो उसका आपको क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगा। यदि सपोज डेट आप किसी दिन 10 घंटे ड्यूटी कर रहे हो तो 8 घंटे तो आपको रेगुलर करना ही है, आपने कितने घंटे एक्स्ट्रा किया, 2 घंटे एक्स्ट्रा ड्यूटी किया तो उस 2 घंटे का आपको क्या मिल जाएगा, ओवर टाइम अलाउंस मिल जाएगा, उस 2 घंटे का आपको पेमेंट मिल जाएगा। ये यहाँ पर एक सबसे प्लस पॉइंट है कि यदि आप 8 घंटे के बाद में 1 घंटा भी यदि या 30 मिनट भी यदि आप एक्स्ट्रा ड्यूटी करते हो ना तो उसका आपको यहाँ पर क्या मिलने वाला है, पेमेंट मिलने वाला है। फैमिली के साथ रहने के लिए आपको यहाँ पर घर प्रोवाइड करवाया जाएगा, क्वार्टर प्रोवाइड करवाया जाएगा, और यदि आपको क्वार्टर नहीं मिल पाता है तो आपको HRE प्रोवाइड करवाया जाएगा, आप अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर रह सकते हैं। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि फैमिली के लिए आपको क्या क्या सुविधाएँ प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो ध्यान रखना रेलवे में जो एम्प्लॉय होता है उसकी फैमिली का भी ध्यान रखा जाता है, उसकी फैमिली के लिए भी बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती हैं। जैसे आपकी कंप्लीट फैमिली को मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, अब आप या आपके बच्चे या आपके मम्मी पापा कोई भी कैंडिडेट बीमार हो जाता है तो उनका बिल्कुल फ्री में इलाज होगा, क्या होगा, बिल्कुल फ्री में इलाज होगा। फैमिली के साथ रहने के लिए आपको वहाँ पर क्वार्टर प्रोवाइड करवाया जाएगा, यदि क्वार्टर नहीं मिल पाता है आपको तो आपको HRE दिया जाएगा, आप कहीं पर भी रूम रेंट लेकर अपनी फैमिली के साथ रह सकते हो। आपको आपके बच्चे की फीस प्रोवाइड करवाई जाएगी, आपको अपने 2 बच्चों की फीस प्रोवाइड करवाई जाएगी जो कि भी एक अच्छा खासा अमाउंट मिलेगा। तो जैसे सपोज डेट आपके 2 बच्चे यदि किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं तो आपको उस स्कूल की रसीद लानी होगी और आपको डिपार्टमेंट में जमा करा देनी होगी, वहाँ से आपके अकाउंट में आपके बच्चों की फीस ट्रांसफर कर दी जाएगी। सपोज डेट आपके 3 बच्चे हैं तो आपको केवल 2 बच्चों की फीस मिलेगी, और यदि 2 बच्चे हैं तो आपको 2 बच्चों की फीस मिल जाएगी, और यदि आपके 1 बच्चा है तो केवल 1 बच्चे की आपको फीस मिलेगी। तो ये यहाँ पर एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि आपको अपने बच्चों की फीस भी मिल रही है यहाँ पर। इसके अलावा आपको एक रेलवे पास मिलेगा जिसमें आप, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपके फादर और आपके मदर बिल्कुल रेलवे में फ्री टिकट सफ़र कर सकते हैं, ठीक है, उनका किसी तरीके का कोई टिकट नहीं लगेगा, रेलवे के द्वारा अलग से पास बना के दिया जाएगा जो आप अपनी फैमिली मेंबर को देंगे और फिर वो बिल्कुल फ्री में सफ़र करेंगे रेलवे में। तो ये टोटली कुल मिलाकर 4 एक्स्ट्रा फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है रेलवे के द्वारा एक एम्प्लॉय की फैमिली के लिए।
उसके बाद छुट्टियों के बारे में बात करें, देखो यहाँ पर सबसे प्लस पॉइंट है, होलीडे की छुट्टी नहीं रहेगी, किसी फेस्टिवल पर छुट्टी नहीं रहेगी, क्योंकि होलीडे फेस्टिवल में रेलवे पर ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है, इसलिए ऑलमोस्ट जो रेलवे में जितने भी सब इंस्पेक्टर होते हैं उनको होलीडे और फेस्टिवल की कभी छुट्टी नहीं मिलती। हाँ कभी कभार गजेटेड होलीडे मिल जाता है जो कि सिक्वेंस वाइज तरीके से मिलता है, सपोज डैट इस गजेटेड होलीडे को मेरे को छुट्टी मिल गई तो फिर आपको नहीं मिलेगी, ठीक है, यदि अगले गजेटेड होलीडे को आपको छुट्टी मिल गई तो मेरे को नहीं मिलेगी, ताकि व्यवस्था बिल्कुल सही ढंग से बनी रहे, ठीक है ना। वीक में आपको केवल 7 दिन में से 6 दिन ही ड्यूटी करनी होगी, हर एक वीक में आपको एक छुट्टी मिलेगी। अब वो छुट्टी वो इस तरीके से मिलेगी ताकि रेलवे स्टेशन की व्यवस्था खराब ना हो, मतलब आपको सिक्वेंस वाइज तरीके से यहाँ पर छुट्टी मिलने वाली है। टोटली कुल मिलाकर 15 CL मिलेंगी और 30 ELP मिलेंगी, तो टोटल 15 CL है, 30 ELP है, मतलब 45 छुट्टियां तो आपको ये मिल गई। हर महीने में आपको 4 छुट्टियां मिलेंगी वीकली तरीके से, मतलब 6 दिन काम करो एक सप्ते में 7वें दिन की छुट्टी, फिर एक सप्ताह में 6 दिन काम करो फिर 7वें दिन की छुट्टी, ठीक है। तो इस तरीके से प्रत्येक वीक में आपको केवल 6 दिन काम करना होगा और गजेटेड होलीडे की भी आपको छुट्टियां मिल जाएंगी। अब सबसे नेगेटिव पॉइंट है कि यहाँ पर आपको होलीडे फेस्टिवल की छुट्टी नहीं मिल रही, लेकिन इसके बदले रेलवे आपको एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट देता है, और वो प्लस पॉइंट ये है कि यदि आप रेलवे में सब इंस्पेक्टर बनते हो तो एक साल में आपको टोटली कुल मिलाकर 13 महीने की सैलरी मिलेगी। भाई एक साल में 12 महीने होते हैं लेकिन आपको एक साल में 13 महीने की सैलरी मिलेगी, और 1 अप्रैल को आपको 2 सैलरी आएंगे अकाउंट में, एक तो मार्च वाले महीने की और दूसरी जो एक एक्स्ट्रा 13वां महीना है उस महीने की, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, रेलवे में यदि आप सब इंस्पेक्टर बनते हो तो एक साल में आपको टोटली कुल मिलाकर 13 महीनों की सैलरी मिलेगी, ठीक है। 1 अप्रैल को आपके अकाउंट में 2 महीने की एक साथ सैलरी ट्रांसफर की जाएगी, 1 मार्च के महीने की, 1 अप्रैल वाला जो एडवांस महीना है उसकी। प्रमोशन के बारे में बात करें तो सबसे पहले आप रेलवे में सब इंस्पेक्टर बनोगे, लगभग 8-9 साल आप ड्यूटी करने के बाद में सर्किल इंस्पेक्टर बन जाओगे, उसके 11-12 साल ड्यूटी करने के बाद आप जोनल इंस्पेक्टर बन जाओगे। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका क्या होने वाला है, प्रमोशन होने वाला है। यहाँ तक आपको सब कुछ बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। अब हम सैलरी स्लिप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पे बैंड 2 है, ग्रेड पे 4200 है, लेवल 6 आता है, पे स्केल 34,800 रहता है, और बेसिक पे जो 35,400 से शुरू होकर 112,400 तक जाता है। तो इनकी सैलरी कुछ इस तरीके से बनती है, बेसिक पे 35,400, DA फिलहाल में 50% है तो उसके अकॉर्डिंग 17,700 रुपये, HRA या तो आपको क्वार्टर मिल जाएगा, यदि आपको क्वार्टर मिल जाता है तो आपको HRA नहीं मिलेगा, यदि आपको क्वार्टर नहीं मिलता है तो आपको HRA मिलेगा। ऑलमोस्ट सब इंस्पेक्टर को 18% के अकॉर्डिंग या 20% के अकॉर्डिंग HRA मिलता है, सॉरी 20% के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, क्योंकि फिलहाल में सेंट्रल गवर्नमेंट HRA के मामले में पूरे भारत को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, 10%, 20% और 30%। ज़्यादातर जो रेलवे के सब इंस्पेक्टर होते हैं उनको 20% के अकॉर्डिंग HRA मिलता है, ठीक है। तो 20% HRA के अकॉर्डिंग आपको 7,080 रुपये HRA के मिल जाएंगे, ट्रांसपोर्ट अलाउंस के 3600 रुपये हो गए, DA/TA के 1800 रुपये हो गए, राशन मनी के आपको 3,937 रुपये मिलेंगे, और ओवर टाइम ड्यूटी अलाउंस, ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपने एक महीने में कितना ओवर टाइम किया है, लेकिन यदि हम एक एवरेज निकाल कर चले तो लगभग 5,000 रुपये के आसपास ये अमाउंट आता है, ठीक है ना, लगभग इतना तो आता ही है। तो इन सभी को मिलाकर आपकी क्या बन जाती है, ग्रोस सैलरी बन जाती है। डिडक्शन की बात करें तो कटौतियाँ होती है कुछ, जैसे आपका NPS कट जाएगा 5,310 रुपये का, आपके बेसिक पे और TA दोनों का 10% अमाउंट होता है। ये भाई जिस दिन आपकी पोस्टिंग होगी उसी दिन गवर्नमेंट के द्वारा आपका एक NPS अकाउंट खोला जाएगा, आपके बेसिक पे और DA दोनों का 10% जितना अमाउंट आपकी ग्रोस सैलरी में से काटकर आपके NPS अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जितना अमाउंट आपका कटा है ठीक उतना ही अमाउंट गवर्नमेंट अपनी खुद की तरफ से आपके उस NPS अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। तो हर महीने आपके NPS अकाउंट में लगभग 20% अमाउंट ऐड होगा, 10% जो आपका कटा और 10% से ज़्यादा जो गवर्नमेंट ने आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया। तो यह ध्यान रखना NPS की वजह से आपकी जो टोटल सैलरी है ना वो 110% से ज़्यादा बनती है,
ठीक है। रेलवे एम्प्लॉयज इंश्योरेंस के 30 रुपए कटेंगे, स्कीम से के आपके 230 रुपए कटेंगे। इनकम टैक्स भी कटेगा, लेकिन वो डिपेंड करते हैं आपके ऊपर कि आप कितने खर्चे दिखा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इनकम टैक्स को शामिल नहीं किया है, तो टोटल कटौती होगी 5,570 रुपए की। भाई पहले महीने की ग्रोथ सैलरी बनी है 74,517 रुपए, जिसमें कटौती हो गई 5,570 रुपए। तो पहले महीने की नेट सैलरी कितनी बन गई आपकी, तो वो बन गई प्यारे साथियों 68,947 रुपए। हर एक साल में एक बार आपको ड्रेस अलाउंस का अमाउंट मिलेगा, जिसमें आप अपनी ड्रेस खरीद सकते हो, या यदि आपकी ड्रेस बिल्कुल ठीक है, आपको लग रहा है कि आपके पास ड्रेस खरीदने की जरूरत नहीं है, तो आप उस अमाउंट को अपने पॉकेट में भी रख सकते हो। तो वीडियो में आपको हर एक डाउट, आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन था, हर एक क्वेश्चन का आपको जवाब मिल गया होगा। अभी भी यदि कोई क्वेश्चन पेंडिंग में आता, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, और आप कमेंट करके जरूर बताएं कि अब अगला वीडियो हम किस टॉपिक के ऊपर लेकर आए। तो जिस टॉपिक के ऊपर सबसे ज़्यादा कमेंट्स आएंगे, हम जल्द से जल्द उसी टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। और उस वीडियो को देखने के लिए प्यारे साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।